हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए आज टेस्ट नंबर 3 की बात करेंगे। दो टेस्ट लोअर पीसीएस के ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब रखिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। 8 टेस्ट उत्तर प्रदेश मंडी परिषद परीक्षा के अपलोड कर दिए गए हैं, जाइए उनको देखिए और बहुत सारा अच्छा रिविज़न आपका हो जाएगा। तो साथ ही साथ लोअर पीसीएस की भी तैयारी करानी है, इसलिए इसका भी टेस्ट जो थर्ड है इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे 50 प्रश्न। वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखना, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे बता देना। पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस वीडियो का भी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो 1 लाख जरूर करना। चलिए भाई, चरकुला नृत्य किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, ब्रजभूमि में, अवध क्षेत्र में, बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। 1 से 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभूमि का चरकुला है नृत्य और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है भाई, देखिए डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में नहीं पाया जाता है, बताइए कहाँ नहीं पाया जाता है इनमें। सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा या गोरखपुर। देखिए सोनभद्र में भी है, मिर्जापुर में भी है, बांदा में भी है, ये गोरखपुर में नहीं पाया जाता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। अगला प्रश्न है भाई, देखिए सिविल सर्विसेज स्टडी को सब्सक्राइब रखना, फेसबुक पेज पर जाकर भी पेज को लाइक कर देना, वहाँ पे भी अपडेट रहते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न है, देखिए उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, बताइए। देखिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं ना, जिनका डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश का, उनको तो पता ही होना चाहिए अपने स्टेट का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन जो दूसरे स्टेट के विद्यार्थी हैं जो उत्तर प्रदेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सही उत्तर है 240,928 वर्ग किलोमीटर, पहले ही बताया था, इस तरह से याद कर लो 240,928 वर्ग किलोमीटर, 240,928 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है भाई, एक मासिक पत्रिका है, सॉरी एक धार्मिक पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण, कल्याण का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया जाता है, बताइए कहाँ से किया जाता है। बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर या आजमगढ़, तो करेक्ट आंसर है ये किया जाता है गोरखपुर से, इसका प्रकाशन किया जाता है। इसके संपादक का नाम क्या है, हनुमान प्रसाद है, क्या नाम है इसके संपादक का, हनुमान प्रसाद। नेक्स्ट है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला, देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे सबसे बड़ा ज़िला उत्तर प्रदेश का, सबसे छोटा ज़िला, तो इस तरह के प्रश्न पता होने चाहिए, पूछे जाते हैं, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है भाई, देखिए एक मासिक पत्रिका है जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, बताइए किसने किया था, ये किया था आचार्य राम, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब आपको बताना है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, सरल कर दिया वरना जिला ही पूछ लेता। हर्षचरित पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। देखिए हर्षचरित पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो हर्षवर्धन मारकर गलत मत कर देना, क्योंकि हर्षचरित जो है ना उसकी रचना की है बाघ भट्ट ने या बाण भट्ट ने। देखिए हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, और जो हर्षवर्धन ने अगर पूछा जाए तो हर्षवर्धन ने क्या क्या किया था, तो हर्षवर्धन ने भी 3 रचनाएँ की थी जिनका नाम है रत्नावली, नागदंद एवं प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की फिर से बता देते हैं, रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। और अगर इस तरह से प्रश्न पूछ ले जाए कि सबसे पहले जो संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है उसका नाम क्या है, वो है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, वो है पाणिनि। कौन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। कलहण ने किया था, कलहण ने राजतरंगिणी लिखी थी, राजतरंगिणी में क्या है, कश्मीर का इतिहास है। अगला प्रश्न है भाई, देखिए दीवान ए कोही या दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी, बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है, करेक्ट आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक, या इस तरह से याद रख लीजिए MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। नवे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नवा प्रश्न क्या कहता है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किस शासक ने बनाया था, बताइए किस शासक ने बनाया था। ये बनाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और आगे भी बता देते हैं इसे मैं लेकर रहूँगा, बताइए किसने कहा था। ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, कब कहा था, 1916 में, कब कहा था, 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है भाई, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था,
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, मतलब सोच लो 1946 या 47, 45, 46, 47 इस तरह से याद कर लो। ये स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई थी? 15 अगस्त 1947। कौन थे? जे बी कृपलानी। कौन थे? जे बी कृपलानी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए, तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक 1191 में, दूसरा बताइए कब हुआ था। ये तो प्रथम था 1191, यहाँ पूछ रहा दूसरा कब लड़ा गया, तो ये 92 में लड़ा गया, 1192। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पहला भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिनमें कौन जीता? चौहान जीता। दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच, जिनमें कौन जीता? गौरी जीता। ना सिर्फ जीता बल्कि चौहान को उसने मार भी दिया। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? बताइए, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था उद्दंड मारतंड। कौन सा? उद्दंत या उद्दंड मारतंड। कहाँ से प्रकाशित होता था ये? कानपुर से प्रकाशित होता था। किसने प्रकाशित किया था? जुगल किशोर। किसने? जुगल किशोर। अगला प्रश्न है भाई, देखिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? इनमें बताइए कौन सा है वो संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? यह है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। कब आया? 1976। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन है, क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। और अब ये बताइए, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भारतीय संविधान में, वो किसकी अनुशंसा के आधार पर जोड़े गए? दो ऑप्शन देता हूँ, सरदार स्वर्ण सिंह और सरदार तांबा सिंह। देखिए सिंपल है, पता ही होगा, सरदार स्वर्ण सिंह, तांबा तो कोई नाम ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? बताइए, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है भाई, उत्तर प्रदेश में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, वो उत्तर प्रदेश का हो या फिर उत्तराखंड का हो, किसी भी स्टेट का हो, वो सभी के लिए वैलिड है। बताओ कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है भाई 17वां, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन, ध्यान देना द्वैध शासन है केंद्र में, प्रांतों में तो पता ही होगा, यहाँ केंद्र में पूछा, बताओ। भारत संविधान संशोधन, भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र में लागू करता द्वैध शासन को, और प्रांतों में 1919। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? सभी को पता होगा 22 भाग में। कितने? 22 भाग में। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है इनमें से पूछ रहा है, वैसे तो बिहार है। अब बताओ इनमें से क्या करेक्ट आंसर है इसका? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसमें है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है इसमें? अरुणाचल प्रदेश। कितनी है इसकी साक्षरता? 65.4%। कितनी? 65.4%। इससे सबसे कम अगर बिहार होता ना इसमें, तो बिहार की है 61.8%, सबसे कम। अगला प्रश्न है भाई, देखिए 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई द्वारा साइबर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना ठोका है? बताओ किस पर ठोका है, बताइए। ये लगाया इंडियन बैंक पर। किस पर लगाया? इंडियन बैंक पर। अगला प्रश्न है भाई 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से बताओ, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर या आयकर। देखिए इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष। चलिए 22वां प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, 22वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो एक ही ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होती तो होती, यहाँ मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे, हिंट दे देता हूँ, मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल बोई जाती है, बताइए कब बोई जाती है खरीफ की फसल? जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में। और खरीफ की फसलों के नाम बता दो जरा कौन कौन से हैं। देखिए धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गई, मूंगफली हो गई, ये सब खरीफ की फसलें हैं भैया। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? बताओ नगदी फसल नहीं है। देखिए कॉफ़ी, तंबाकू, गन्ना नकदी फसलें हैं, गन्ना भी नकदी फसल है, कॉफ़ी भी,
तंबाकू भी नकदी फसल है, लेकिन चना यहाँ पर नकदी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, चुकंदर किस प्रकार की फसल है बताओ, एक वर्षीय, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, इनमें से कोई नहीं। चुकंदर जो है ना, चुकंदर वो द्विवर्षीय फसल है, 2 वर्षों में होती है वो। अगला प्रश्न है, ATP का पूरा नाम बताओ, सॉरी FTP, FTP, ATP का भी बता देना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यहाँ FTP का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या है FTP का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है इसका, यह है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, करेक्ट हो जाएगा डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, प्रमुख राज्यों के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं है, कौन सा है वो? देखिए कथकली जो है ना वो केरल का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। बिहू असम करेक्ट है, पंथी छत्तीसगढ़ करेक्ट है, छऊ झारखंड करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसान दिवस मनाया जाता है बताओ, कब मनाया जाता है किसान दिवस? किसान दिवस मनाया जाता है दिसंबर में। दिसंबर में कब? 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। सब्सक्राइब कर लेना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी बताओ? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1948 को। कब हुई थी? 1948 को, 1948 बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था बताओ? दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? देखिए पहला बता देता हूँ कि पहली बार कब किया गया था। देखिए जब पहला परमाणु परीक्षण था ना वो 1974 में किया गया था, 1974। कहाँ किया गया था? पोखरण में। पोखरण कहाँ? राजस्थान में है। और ये 18 मई 1974 को किया गया था। दूसरा कब किया गया था? तो दूसरा किया गया था 1998 में, ये भी राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ये कब किया गया था? 11 मई और 13 मई को। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भाई, विभिन्न कंपनियों के मुख्यालयों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? एक ही सुमेलित है इनमें से बस, कौन सा? देखिए जो वॉलमार्ट है ना, वॉलमार्ट उसका जो मुख्यालय है ना वो अमेरिका में है, तो ये सही है। नोकिया का कहाँ पर है? नोकिया का फिनलैंड में है। और लेनोवो का कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए। चलिए भाई अगला प्रश्न, भारत में हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बताइए? देखिए एवरेस्ट तो है नहीं, एवरेस्ट नेपाल में है, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। अगला प्रश्न है भाई, सिम्पलीपाल एक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कहाँ पर है बताइए सिम्पलीपाल वन्यजीव अभयारण्य? यह है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है भाई, दार्जिलिंग किस राज्य में? बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, दार्जिलिंग को सिक्किम ठोक देते हैं, तो सिक्किम में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऊपर तक फैला है, सिक्किम तक सटा है। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? एक ठंडी जलधारा नहीं है इनमें से, बाकी ठंडी जलधारा हैं। देखिए यहाँ पे कनेरी कोल्ड करंट है, लैब्राडोर भी एक कोल्ड करंट है, ओयासिबो भी एक कोल्ड करंट है, लेकिन अलास्का की धारा जो है ना वो ठंडी नहीं है, अलास्का की जलधारा एक गर्म जलधारा है। चलिए अगला प्रश्न है भाई, इरावती किस देश की मुख्य नदी है बताओ? किस देश की मुख्य नदी है? और इरावती डॉल्फिन भी इसी के नाम पर है। किस देश की है? यह है म्यांमार की। किस देश की है? म्यांमार की नदी है इरावती। ये हिमालय क्षेत्र से निकल कर ना अंडमान सागर में गिरती है, याद रखना। चलिए 38 पर आते हैं, प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है देखिए, 38वां देखिए, आप एक रेस्तरा, रेस्तरा क्या होता है? होटल होता है या रेस्टोरेंट होता है, में कॉफ़ी पीते हुए अपने मित्र के साथ गपशप कर रहे हैं, अचानक आपने बहुत ही पास एक विस्फोट की प्रचंड आवाज़ सुनी, आप क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? डिसीजन मेकिंग का अच्छा क्वेश्चन है, क्या करोगे? उछल पड़ेंगे और मित्र को कसकर पकड़ लेंगे, क्या करोगे? ये नेक्स्ट है, आवाज़ की तरफ से ध्यान हटाकर सब कुछ बहुत अच्छा हो इसके लिए दुआ करोगे, या आवाज़ कहाँ से आई इसका पता लगाना शुरू करोगे, मदद के लिए चिल्लाना शुरू करोगे बताओ? देखिए आवाज़ कहीं और आई है बड़ी तेज़, आप रेस्तरा में बैठोगे चिल्लाओगे तो ये तो फिर बिल्कुल निरर्थक बात होगी, बताइए क्या करोगे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसके लिए जो सबसे अच्छा विकल्प है ना वो है सी, आवाज़ कहाँ से आई इसका पता लगाना शुरू करोगे। नेक्स्ट है भाई, क्या पता आप उसमें कुछ हेल्प कर दो, मदद कर दो। अगला भी डिसीजन मेकिंग है, आप उप निरीक्षक
कि लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार हेतु चुने गए, आपको सुनने में आता है कि इस साक्षात्कार में पैसे दिए बिना सफलता नहीं मिलती, जो होता है अधिकतर। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, पैसे दे दोगे क्या? पूर्वत अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ तैयारी करोगे और निश्चितता के साथ साक्षात्कार देंगे। बिल्कुल सही, यही करना चाहिए, वैसे तो यही करना चाहिए ना। अगला ही पढ़ लेते हैं। अपने संपर्कों से पता लगाएंगे और अभीष्ट व्यक्ति तक अपेक्षित धन पहुंचाएंगे। इसको तो छोड़ ही दो। अवसाद में आकर अपनी तैयारी रोक देंगे और साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होंगे। ये भी बर्बाद है। तो कट गए, ये भी गया, ये भी गया। अगला है, धन की व्यवस्था करेंगे तथा साथ ही साथ अपनी तैयारी भी जारी रखेंगे। ये भी बर्बाद है। तो सबको यही करना है। ए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वेब वंडर वुमेन अभियान लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है वेब वंडर वुमेन अभियान? ये किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किसने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ही वेब वुमेन वंडर अभियान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक अहिंसा के लेखक कौन है? अहिंसा, बताइए कौन है अहिंसा के लेखक? सुप्रिया केलकर। कौन है? सुप्रिया केलकर। बुक्स भी पूछी जा सकती हैं पेपर में। अगला प्रश्न है भाई, 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी या आईफा पुरस्कार जो 2018 में हुए थे, उस समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? किसको मिला है बताइयो, किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार? देखिए, ये बैंकॉक में थाईलैंड में आयोजित हुए थे आईफा इस बार के 2018 में जो हुए थे। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ना इसमें, वो थी सुलू। कौन सी? तुम्हारी सुलू। विद्या बालन है शायद इसमें निर्देशिका, जो अभिनेत्री हैं, निर्देशक तो सुरेश त्रिपाठी हैं। चलिए भाई अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2018 कौन है? सभी को पता होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है इतना बार। कौन है फेमिना मिस इंडिया 2018? अनुकृति बास। कौन है? अनुकृति बास, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 44वां प्रश्न क्या कहता है? देखिए, 12 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, कौन सा? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी दी है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कुछ कथन है, देखिए, इसकी घोषणा 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी। किसकी? प्रधानमंत्री अन्नदाता अभियान। इस योजना के तहत किसानों को MSP संबंधी आश्वासन दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है। तो बताइए कौन सा इसमें सत्य है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, सारे के सारे जो हैं ये प्रश्न, जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पर करेक्ट हैं। तो क्या लगाओगे इसका? उपर्युक्त सभी। क्या लगाओगे इसका? उपर्युक्त सभी। कौन से कथन सही हैं? चलिए भाई अगला प्रश्न है, नंबर 45। देखिए, विंबलडन 2018 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, बताइए इनमें से। ये जीता है नवाक जोकोविच ने 2018 का। और इस बार 19 का जो है ना टेनिस टूर्नामेंट एक ख़त्म हो गया है, जो कल भी एक प्रश्न पूछा था मैंने उससे, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ख़त्म हो गया है और ये लास्ट ईयर तो सारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए 46 पर आते हैं जल्दी से। देखिए, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए MD के चुनाव हेतु या चयन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया, बताइए किसकी सदस्यता में गठा है यह पैनल? बताइए, GN वाजपेयी हैं वो, कौन है, या फिर BP शर्मा है, मैथ्यू वर्गीस हैं, या टी भार्गव हैं? जल्दी से बताइए, 2 सेकंड का टाइम है। ये हैं BP शर्मा। कौन है? बी करेक्ट हो जाएगा, BP शर्मा। अगला प्रश्न है भाई, देखिए, अगस्त 2018 में पैसिफिक एंडेवर 2018 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा? पैसिफिक एंडेवर 2018 का आयोजन अगस्त में कहाँ किया गया था लास्ट ईयर में? ये किया गया था मध्य नेपाल में। कहाँ पर?
मध्य नेपाल में। चलिए भाई अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया। देखिए 3 से 7 जनवरी के मध्य किया गया था ये, एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, बताओ कहाँ पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। छोड़िए हिंट देता हूँ, जलंधर में, अब बताओ जलंधर कहाँ पर है। 106वीं विज्ञान कांग्रेस का सफल परीक्षण हुआ है वहाँ पर, सॉरी आयोजन हुआ है वहाँ पर, यह है जलंधर। सी कहाँ पर है जलंधर, पंजाब में जलंधर। चलिए भाई अगला प्रश्न है, और इस बार की थीम भी सुन लो क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, भविष्य का भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्या है इसका, भविष्य का भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चलिए भाई अगला प्रश्न है, आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू एक फेमस पुस्तक है, कौन है इसके लेखक, रघुराम जी राजन, कौन है, रघुराम राजन ने लिखी है आई डू व्हाट आई डू। अगला प्रश्न है, और अंतिम, अगस्त 2018 में एक जनपद एक उत्पाद समिट का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए तो उत्तर प्रदेश का है, तो एक जनपद एक उत्पाद जो समिट है वो कहाँ किया गया, बताओ जल्दी। देखिए कैपिटल में हो सकती हैं ये सारी चीज़ें, तो कहाँ पर किया गया, लखनऊ में किया गया एक जनपद एक उत्पाद का आयोजन। तो चलिए ये किसने किया था, ये रामनाथ कोविंद ने किया था, इतना भी याद रखना। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न थे, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये था टेस्ट नंबर 3 लोअर PCS उत्तर प्रदेश लोअर PCS परीक्षा। बेल आइकन को प्रेस रखना, अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, सारे टेस्ट मिल जाएंगे, कवर करा दिए जाएंगे, PDF अभी या थोड़ी देर बाद इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से। धन्यवाद।